उज्जैन में जहरीली शराब की घटना के बाद अब नीमच प्रशासन भी जाग गया है। उज्जैन शहर में गुरुवार को जहरीली शराब पीने के कारण एक दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब नीमच प्रशासन भी जाग गया है। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नीमच मेडिकल स्टोर पर जांच की गई। गौरतलब है कि गुरुवार को उज्जैन में जहरीली शराब पीने से तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई थी। जब मौत का कारण जाना गया तो उपरोक्त लोगों की मौत मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले जिंजर टिंचर नामक जहरीली वस्तु के पीने से हुई थी। अक्सर बड़े महानगरों में मजदूर वर्ग के लोगों द्वारा मेडिकल स्टोर से जिंजर टिंचर नामक वस्तु खरीदकर उनका सेवन किया जाता है, जिसका स्वाद और महक दोनों अल्कोहल जैसे ही होते हैं, जिसके कारण ही लोगों की मौत हो रही है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने टीम का गठन किया, जिसके बाद शुक्रवार को नीमच शहर में स्थित लगभग 7 से 8 मेडिकल स्टोर की जांच की गई, जहां जिंजर टिंचर नामक वस्तु काफी मात्रा में पाई गई, जिसका उपयोग ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिलाधीश महोदय के आदेश पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मेडिकल स्टोर पर भी टीम द्वारा जांच की जाएगी। ये कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार की गई है। इसका कारण यह है कि जो कल दिनांक को उज्जैन शहर के अंदर जो घटना हुई थी, उसमें कुछ लोग जिंजर टिंचर के नाम की जहरीली शराब पी के मर गए थे, लगभग 12-13 लोग। उससे प्रशासन ने जो है उसको सचेत हुआ और इनिशिएटिव स्टेप लेते हुए वहाँ पे जो जांच की गई, उसमें ये समझ में आया कि किसी मेडिकल स्टोर से उन्होंने जिंजर टिंचर नाम की कोई अल्कोहल थी उसको लिया और उससे पी के उनकी मृत्यु कारित हुई। तो इसमें ये फोकस किया गया कि कहाँ कहाँ पे इस प्रकार के द्रव्य पदार्थ बिकते हैं जिनको कि लोग शराब के रूप में बनाकर उपयोग कर सकते हैं। तो शराब नहीं होती, लेकिन शराब के रूप में। जैसे आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन अवधि में सैनिटाइजर आया था, सैनिटाइजर भी उसी चीज़ से बनता है जिससे शराब बनती है। लोगों को ये वहम हो गया कि सैनिटाइजर शराब के रूप में उपयोग कर सकते हैं, कुछ लोगों ने हिमाकत की, लेकिन चूंकि उसमें और भी चीज़ें मिली होती हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और दूसरी चीज़ें, तो उससे लोगों को तकलीफ हुई और लोगों ने बंद नहीं किया, हमारे यहाँ कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या है कि जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, इस प्रकार की चीज़ों को उपयोग कर लेता है। तो मेडिकल स्टोर्स में क्या है कि यहाँ मेडिकल स्पिरिट के नाम से एक स्पिरिट आती है जो पीने योग्य नहीं होती, डिनेचर स्पिरिट होती है जो ऑपरेशन थिएटर में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सफाई के लिए काम आती है। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग ये प्रयास कर लेते हैं कि उसकी सुगंध और उसका बेस वही है, लेकिन उसमें केवल डिनेचुरेंट मिला रहता है। डिनेचुरेंट मतलब पीने योग्य, उसको हटा दिया जाता है, लेकिन उसमें पानी मिला के पीने का प्रयास करते हैं और यही प्रयास वहाँ हुआ था। तो इसी इस पर हम लोगों ने कलेक्टर महोदय और SP साहब के निर्देशन पे जितनी भी मेडिकल शॉप्स हैं उनमें ये देखा कि इनका स्टॉक कितना है। ऐसा कोई स्टॉक तो नहीं है कि जो दुरुपयोग हो। तो नीमच शहर के जो हम लोगों ने 5-7 मेडिकल स्टोर चेक किए तो कहीं भी ऐसी मात्रा नहीं मिली कि लगे कि ये दुरुपयोग हो सकता है। कहीं हमको 400 ml की 10 बोतल मिली, मैक्सिमम हमको 400 ml की 70 बोतल मिली, वो भी एक हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में, क्योंकि वो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है। तो इसी संबंध में कार्रवाई जारी है और वैसे भी हम लोग इस कार्रवाई को जारी रखेंगे कि कहीं ऐसा स्टॉक ना रहे या कहीं स्टॉक बाहर से ला रहा हो और उसका दुरुपयोग हो रहा हो, इस संबंध में हम लोग की कार्रवाई जारी है। अभी मेडिकल का किया जाएगा। और मेडिकल के अलावा क्या होता है कि इसमें जो स्पिरिट के लाइसेंस होते हैं, लेकिन नीमच जिले में स्पिरिट के लाइसेंस नहीं है। एक डिनेचर्ड स्पिरिट लाइसेंस होता है, एक रेक्टिफाइड स्पिरिट लाइसेंस होता है, हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं है। दूसरा क्या है कि जितने भी मेडिकल हैं, अब जहाँ पे हम लोगों को जानकारी ये मिली है, मेडिकल स्टोर वालों ने बोला कि जहाँ पर नर्सिंग होम्स होते हैं, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, सर्जिकल स्पिरिट की बिक्री वहीं होती है।